सवाल करना चाहूँगा क्योंकि आप फिल्म फ्रेटर्निटी हैं, आप हिस्सा है फिल्म इंडस्ट्री का. हाल ही में विनोद खन्ना साहब का एक सैड डिमाइज हुआ था, लेकिन इसके चलते फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा है. ये इसलिए क्योंकि आज के जो जनरेशन के जो कलाकार हैं वो उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं गए थे. हाँ, तो इस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहिए? देखिए, दिस इज़ वेरी सैड न्यूज़. मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ विनोद खन्ना जी की, लेकिन इतना जब ये न्यूज़ सुना हमने तो बहुत ही सैड हुए. लेकिन ये सबको आने देना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम उनके फ़ैन रह चुके हैं. ही वॉज़ अ ग्रेट हीरो, लेजेंड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री. तो आई डोंट नो ऐसा क्यों किया है. इन फ्यूचर गॉड ना करे और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, तो हर आर्टिस्ट को आने देना चाहिए. या बड़ी पार्टीज होती है तो चले जाते हैं, फ्यूनरल में क्यों नहीं बुलाते हैं? तो फ्यूनरल में भी होना चाहिए, यू नो, बुलाना चाहिए आर्टिस्टों को. बुलाना नहीं चाहिए, मतलब जाना चाहिए खुद से. मैंने तो जितना भी मेरे ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो या जितना भी हो, जितना भी मैंने अपना शोक जताना था, मैंने डेफिनेटली, बहुत सैड न्यूज़ है बिकॉज विनोद खन्ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है. इज़ अ वेरी बिग हीरो, और बहुत ही, ऐसा कोई हीरो नहीं होगा जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया होगा. बट हर आर्टिस्ट को तो जाना चाहिए. मे बी अगर शूटिंग है तो फिर नॉट पॉसिबल, सॉरी. हाँ, ये भी बिल्कुल, ऋषि कपूर जी के साथ हूँ कि लोग पार्टी में चमचों की तरह चले जाते हैं, ड्रिंक रिंग वहाँ पे फ्री होता है इसलिए खाने पीने चले जाते हैं. बट फ्यूनरल होता है किसी बड़े स्टार का तो क्यों नहीं जाते हैं? दिस इज़ रॉन्ग. अरे, विनोद खन्ना है या कोई भी बड़ा लेजेंड है तो जाना चाहिए, क्यों नहीं. मैं तो पहुँच जाती हूँ, लेकिन मैं तो ऐसे पहुँच जाती हूँ बिकॉज वहाँ पे तो विदाउट मेकअप जाना होता है ना, तो मुझे लोग पहचानते नहीं है वहाँ पे, इसीलिए विदाउट मेकअप तो मीडिया को पता ही नहीं चलता राखी आई कि नहीं आई. सर, थैंक यू.